अभी हम जा रहे हैं जी बुर्ज खलीफा की तरफ, दुनिया का सबसे बड़ा टावर। चेक कीजिए बिग बैग विद चीज, बहुत बड़े साइज का इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा समंदर जो है ना मॉल के अंदर। यहाँ पर देखे जी ये एक बहुत बड़ा हार्ट भी बनाया हुआ है और अभी ये बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग हो रही है। पर चेक करो भाई कितना बड़ा मगरमच्छ यहाँ पर रखा हुआ है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर ब्रांड न्यू वीडियो। अभी हम जा रहे हैं जी बुर्ज खलीफा की तरफ, दुनिया का सबसे बड़ा टावर, सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जाने के लिए मेट्रो से जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ता है। कितने सारे लोग हैं जो वो बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल की तरफ जा रहे हैं। तो चलते हैं बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल में, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है बुर्ज खलीफा में, दुबई मॉल में। वैसे तो लोगों ने देखा होगा लेकिन मेरे वीडियो के थ्रू भी आप देख लीजिए। इतना बड़ा मॉल बनाया है कि समझ में ही नहीं आता इंटर कहाँ से होना है, एग्ज़िट कहाँ से होना है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बंदा ही खो जाता है। तो अभी दुबई मॉल के अंदर आ चुके हैं हम और देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा लोग आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है लोग आए हुए हैं। चलते हैं आगे देखते हैं जी और क्या क्या है यहाँ पे, बड़ी चीज़ें यहाँ पे, बड़े जो देखने के लिए बहुत कुछ बनाया हुआ है दुबई मॉल के अंदर। हम भी चलते हैं आगे, एक्वेरियम वगैरह भी देखते हैं, वाटरफॉल भी चेक करते हैं। वह चेक करो जी कितने लोग हैं यार, दुनिया भर से लोग जो है ना वो आते हैं दुबई मॉल को देखने, बुर्ज खलीफा को देखने, डांसिंग फाउंटेन को देखने। और क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या कनाडा, क्या यूके, दुनिया भर के लोग यहाँ पे जो है ना आए हुए होते हैं। सबसे पहले ये चेक करो भाई, ये देखो वाटरफॉल है लेकिन ये बंदे उल्टे लटकाए हुए हैं और ये कई सालों से ऐसे उल्टे ही लटके हुए हैं और लटके भी बड़े स्पेशल तरीके से हुए हैं। अभी चलते हैं देखते हैं, हम अंडर वाटर जू की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है, कौन कौन सी मछलियाँ रखी हुई हैं इन्होंने। फाइनली जी हम लोग ये पहुँच चुके हैं इमार अंडर वाटर जू। अभी हमें नीचे जाना पड़ेगा, ये नीचे बड़े लोग खड़े हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसके अंदर पानी के, एक्सप्लोर करते हैं चल के। शार्क भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी, आगे चलते हैं देखते हैं। हाँ देखो ये एमरेट्स का जो है ना सिमुलेटर भी लगाया हुआ है, एमरेट्स A380, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है देखने को, ये सब दुबई में देखने को मिलता है। अभी चलते हैं अंडर वाटर जू देखने, अंडर वाटर जू की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या सीन है वहाँ पर मछलियों का। देखो यहाँ से शुरू हो जाता है अंडर वाटर जू, फिशेस चेक करते हैं कौन कौन सी है। देखो शार्क, देखो शार्क, चेक करो ये शार्क तो मछलियों को ही नहीं खा रही है, तो शरीफ लग रही है मुझे। फाइनली हम आ चुके हैं जी जू के पास, ये देख सकते हो अंडर वाटर जू। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है ना मछलियाँ आपको नज़र आती हैं देखने को मिलेंगी, शार्क मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको आगे ले जाएंगे। तो देख रहे हो बड़ी स्टिंग्रेस भी यहाँ पे चल रही है। एक्वेरियम के अंदर भी जा सकते हैं और उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर ये पूरा आपके ऊपर से गुजरता है। दिखाता हूँ मैं आपको अभी कि आप इसके अंदर भी जा सकते हो पैसे पे करके, इस तरह इस गली में से जाना होता है अंदर। आगे चलते हैं दिखाते हैं और कुछ, पूरा समंदर जो है ना मॉल के अंदर, पूरा सी वर्ल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर हैं ये सारे आपको सिर्फ दुबई में देखने को मिल रहे हैं। ऊपर लोग भी खड़े हैं, अंडर वाटर जू में आप जाके घूम भी सकते हो, उसके लिए टिकट को पैसे पे करने पड़ते हैं।
बाहर से देखते हो आप तो आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। देख रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ लीडर्स एट दुबई एक्वेरियम एंड द वाटर ज़ू। चेक करो भाई कितना बड़ा मगरमच्छ यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हमें लगी है थोड़ी सी भूख, तो चलते हैं जी, पहले करते हैं पेट पूजा फिर करेंगे काम दूजा। तो अभी हम आ चुके हैं जी अलबैग पे, अलबैग ट्राई करेंगे खाने में क्या क्या है, तो चलते हैं ट्राई करते हैं। सैंडविच लेते हैं यार कोई आज अलबैग का, ना रश लगी हुई है, लाइन लगी हुई है अलबैग पे, तो यार हमेशा ही रश रहता है, लाइनें लगी होती हैं। अभी भी देखेंगे कितने सारे लोग हैं, ये अभी ऑर्डर करेंगे उसके बाद दूसरी लाइन है जहाँ से पिक करेंगे। काउंटर पे आ चुके हैं, यहाँ पे ऑर्डर रेडी हो रहे हैं लोगों के, हमने रेडी है, देखते हैं अभी ऑर्डर हमारा आने वाला हो। तो फाइनली जी हमारा ऑर्डर आ चुका है और अभी हम जा रहे हैं अपना अलबैग ट्राई करने के लिए। ट्राई करते हैं, ये तो बहुत बड़ा है यार, वाकई में बिग बैग जो है, वाकई में बिग बैग है ये। चेक कीजिए बिग बैग विद चीज़, बहुत बड़े साइज का इन्होंने बनाया हुआ है। ट्राई करते हैं इसको, फुल ऑफ चीज़ है उसमें, चिकन जो है वो स्पाइसी है, तो है चीज़ बना हुआ है, साइज़ का भी बड़ा है इसका, तो अभी खाते हैं इसको। अभी डिनर हमारा हो चुका है और ये अलबैग नज़र आ रहा है आपको, खाली है अच्छा था बिग बैग, और अब हम चलते हैं आपको बुर्ज खलीफा की तरफ लेके। फाइनली जी वी आर हेयर एट बुर्ज खलीफा, आपको दिखाते हैं बुर्ज खलीफा कहाँ है, और रश बहुत है लोगों का, बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड बुर्ज खलीफा, और इसको देखने के लिए हमें अपने मोबाइल को ऐसे करना पड़ेगा, बल्कि ऐसे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें जी ये एक बहुत बड़ा हार्ट भी बनाया हुआ है, और अभी ये बुर्ज खलीफा पर लाइटिंग हो रही है, प्रोजेक्शन हो रही है, चेक कर सकते हैं आप, एक अलग ही लेवल नज़र आ रहा है। बड़े बड़े दुनिया के स्ट्रक्चर, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है दुबई वालों ने। हाँ दुबई में दुनिया की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी गई हैं कि पूरी दुनिया हैरान हो गई है। हालांकि एक छोटा सा शहर है दुबई, और उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी गई हैं कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने। यहाँ पे देखो ऐसे कार्ड्स वगैरह भी लगाए हैं जिन पे खाने पीने की चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं, ये देखो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, यहाँ से अगर आप परचेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है पे करना पड़ता है लोगों को। देख रहे हो ये डाउन टाउन के नज़ारे, ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर ज़्यादातर जो बिल्डिंग है तकरीबन सारी इमारत की बनी हुई है। हालांकि ये जो मॉल है दुबई मॉल, ये भी इमारत का है, सामने ये सारी बिल्डिंग इमारत की है, ये सब इमारत है, ये इमारत है, ये बुर्ज खलीफा भी जो ये इमारत वालों का है। ये जो लेक है फाउंटेन वाली दुबई की, इसमें ये वाली कश्तियां भी चलती हैं, वो बोट्स चल रही हैं ना, ये बोट्स भी चलती हैं, और इन बोट्स की राइड भी आप कर सकते हो। ये एक आ रही है बोट, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी आप इंजॉय कर सकते हो। ये देखो आप, ये आगे इसका वो स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से आप इस पे आ सकते हो, इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। तो जी फाइनली आपको हमने दिखाया फाउंटेन शो, बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के
अंदर के थोड़े से नज़ारे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। और हम जा रहे हैं अब वापस अपने घर।